नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे देश के किसान। दिल्ली चलो के आह्वान पर होगा अनिश्चितकालीन संघर्ष। किसानों से पराली खरीदेगी हरियाणा सरकार। अब सरकार को पराली बेचकर किसान कमाएंगे पैसे। अब खेती बाड़ी में इस्तेमाल होगा ड्रोन। केंद्र सरकार ने दी हैदराबाद के संस्थान को मंजूरी। बीते दिन पंजाब के चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक कोर कमेटी की बैठक की गई थी, जिसमें सभी किसानों ने मिलकर संविधान दिवस के दिन दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर के किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली चलो के आह्वान पर दिल्ली में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि पिछले काफी महीनों से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में कृषि कानूनों को लेकर जो लड़ाई है वो लगातार जारी है, जिसको अगला मोड़ देने के लिए 26 नवंबर को दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के जो भी किसान है वो 5 राज्यों से दिल्ली आने का फैसला कर रहे हैं, जिनमें अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, कुंडली बॉर्डर, हिसार दिल्ली राजमार्ग, बहादुरगढ़ जयपुर दिल्ली राजमार्ग, धारूहेड़ा बरेली दिल्ली राजमार्ग, हापुड़ आगरा दिल्ली राजमार्ग, बल्लभगढ़ पर इकट्ठा होकर किसान दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। किसानों को पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पहुंचकर उन्हें अपनी आवाज बुलंद करने का मौका जरूर मिलेगा। ऐसे में किसानों का ये भी कहना है कि अगर उन्हें किसी रास्ते के बीच में ही रोका गया तो वो वहीं पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना देंगे। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ही दिल्ली में प्रवेश करेंगे। बीते दिन राष्ट्रीय किसान महासंघ, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति सहित कई अन्य संगठनों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और पराली जलाने का जो मामला है वो कम करने के लिए अब हरियाणा सरकार ने एक पहल की है, जिसके तहत राज्य सरकार किसानों से उनकी पराली खरीदने वाली है। हाल ही में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि पराली से भी ब्रिकेट्स बनाए जाएंगे, जिसके चलते अब सरकार किसानों से 120 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली खरीदेगी। राज्य सरकार के इस फैसले से किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। पहला तो किसानों की आर्थिक तंगी कम करने में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरा उन्हें पराली को जलाना नहीं पड़ेगा, जिससे प्रदूषण होने से भी बचा जा सकेगा। इसके अलावा डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए चीनी के साथ साथ अन्य वस्तुओं का भी मिलों में उत्पादन किया जाएगा। कैथल चीनी मिल में बायोफ्यूल ब्रिकेट प्लांट संयंत्र लगाया गया है। इस प्लांट में बगास गिट्टी को एक आधुनिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि कोयले का एक बेहतर विकल्प है। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि अगले 15 दिनों में महम चीनी मिल में अटल किसान कैंटीन का शुभारंभ कर दिया जाएगा। इस कैंटीन में किसानों को खाने पर 15 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 25 रुपए की थाली किसानों के लिए केवल 10 रुपए में उपलब्ध होगी, जबकि 15 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। आए दिन वैज्ञानिक कृषि के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग करने लगे हैं, जिसके चलते ही अब केंद्र सरकार ने भी खेती बाड़ी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके चलते वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी जो रिसर्च है उसके लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा आपने विदेशों में देखा होगा, लेकिन अब ऐसा हमारे इंडिया में भी जल्द होने वाला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फिलहाल तेलंगाना के हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ये संस्थान ड्रोन का इस्तेमाल विभिन्न कृषि अनुसंधानों के लिए कर सकेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अनुसार टिड्डी हमलों के दौरान देश में ड्रोन के इस्तेमाल से ही कई राज्यों में इन पर नियंत्रण पाया गया था, तो वहीं ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल फसल उपज को बढ़ाने, फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करने जैसे कई कामों में किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि 6.5 लाख से अधिक गांव के लिए युवा उद्यमियों और शोधकर्ताओं को कम कीमत में ड्रोन उपलब्ध कराए जाएं। आपको साथ ही बता दें कि कृषि अनुसंधान प्रयोगों के लिए दी गई ये छूट कई शर्तों पर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के तहत दी गई है, जो कि केवल 6 महीने तक ही मान्य है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, एनईएफटी और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर एफबी पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।